सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इसके बेल आइकन को ताकि देख पाए आप आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, बिना जुताई के जैविक खेती, जी हाँ, बिना जुताई की जैविक खेती हर साल की कमाई है 50 से 60 लाख रुपए। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंटरनेट से मिली जानकारी में बताएंगे कैसे बिना जुताई के जैविक खेती से हर साल 50 से 60 लाख रुपए कमाते हैं लोग। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, आपके मन में भी अक्सर ऐसा सवाल आता होगा कि क्या बिना जुताई के खेती हो सकती है और क्या बिना जुताई वाले खेतों से ज्यादा पैदावार भी होगी। तो इस बारे में दोस्तों जवाब दिया है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के किसान राजू टाइटस ने, और उनका ये कहना है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिना जुताई के भी खेती की जा सकती है और इससे अच्छी खासी पैदावार भी ली जा सकती है। और दोस्तों, ये पैदावार राजू टाइटस भी ले रहे हैं। बता दें कि राजू टाइटस पिछले 30 वर्षों से बिना जुताई के खेती कर रहे हैं। वह पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये अपने खेतों में बाजार से खरीदी गई खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बीजों की सीड बॉल बनाकर खेतों में बुआई करते हैं। सीड बॉल कैसे बनाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और राजू बिना जुताई के जैविक खेती करके हर साल 50 से 60 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लेते हैं, जो कि हमारी उम्मीद से कई ज्यादा गुना है और उम्मीद से भी ज्यादा परे है। बता दें दोस्तों कि बिना जुताई के जैविक खेती करने की प्रेरणा राजू टाइटस को कहां से मिली, तो ये उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि जापान के ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक एवं कुदरती खेती के प्रेरणता मत्स्योनोबु फुकुओकाजी ने एक किताब लिखी जिसमें बिना निराई गुड़ाई और बिना रसायन की खेती करने का जिक्र था। पूरी किताब पढ़ने के बाद मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। इसके बाद इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया और इस पद्धति को अपनाने में मुझे फायदा लगा और तब से मैं इसी पद्धति से खेती कर रहा हूं और लाखों रुपए का टर्नओवर भी निकालता हूं। दोस्तों, ये राजू इस तरीके से लाखों रुपए कमाते हैं। बता दें कि होशंगाबाद जिले से 1.5 किलोमीटर दूर टाइटस फार्म के नाम से मशहूर इनके फार्म को सब जानते हैं। शुभ फूल एक ऐसा वृक्ष है जिससे मिट्टी को पर्याप्त उर्वरकता मिलती रहती है और ये पौधे इन्होंने अधिकाधिक मात्रा में लगाए हैं, जो कि इनकी लागत काफी ज्यादा आती है, लेकिन ये राजू टाइटस ने अपने खेतों में लगा लिए हैं और बिना रसायन 30 वर्षों से लगातार खेती करते आ रहे हैं। राजू बताते हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें तो हमें खेती करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जुताई करने से असंख्य जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और भूमि अच्छा उत्पादन नहीं देती है। बता दें दोस्तों कि इसी के साथ ही झाड़ियां भी काट देते हैं हम लोग, जिनके सहारे असंख्य जीव जंतु कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। पेड़ों के साथ झाड़ियां और झाड़ियों के साथ घास फूस अनेक वनस्पतियां रहती हैं, जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। अगर हम जुताई नहीं करते हैं तो हमारे खेत असंख्य वनस्पतियों से भर जाते हैं और जो कि बकरी पालन करते हैं जिससे खरपतवार का नियंत्रण होता रहता है। ये कुछ इस तरीके से अपनी भूमि का, अपनी खेतों की जमीन का खरपतवारों से सुरक्षा करते हैं। एवं दोस्तों, ये कीड़े मकोड़े जमीन में बहुत काम करते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। इनके जीवन चक्र से खाद और पानी का संचार होता है। और राजू टाइटस बिना जुताई के बीज बोने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं कि सीड बॉल बनाना बहुत ही आसान चीज है। सीड बॉल बनाने के लिए खेतों की मिट्टी, पहाड़ों से बहकर निकलने वाली मिट्टी एवं नदी नालों और तालाबों की मिट्टी या फिर वो मिट्टी जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जिसे असली नाइट्रोजन इसी मिट्टी से मिलती है। यह मिट्टी सर्वोत्तम खाद है और इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो खेत की उर्वरा को प्रदान करते हैं। और इसी मिट्टी के इस्तेमाल से हम सीड बॉल बनाते हैं। सीड बॉल कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? तो सीड बॉल इसीलिए बनाते हैं ये क्योंकि बीजों की सुरक्षा पशु पक्षियों से हो सके और खेत में खुले में पड़े बीजों को पशु पक्षी ना खा सके।
ये क्या करते हैं, जिस तरीके से आटे में हम नमक डालकर आटे को गलाते हैं, आटा लगाते हैं, इसी तरीके से ये मिट्टियों में बीजों को डालकर, थोड़ा पानी डालकर उनकी छोटी छोटी सीड बॉल बना लेते हैं और उनको खेतों में छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि उन्हें पशु पक्षी ना खाए और इनकी फसल की सुरक्षा हो सके, बीजों की रक्षा हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा एक ऐसा मोटिवेशनल आइडिया जिसमें कि बिना जुताई के जैविक खेती करने पर 50 से 60 लाख रुपए राजू टाइटस कमा लेते हैं, ये जानकारी हमको इंटरनेट से मिली है। तो दोस्तों, आपके लिए कैसी लगी ये मोटिवेशनल टाइप की वीडियो और जानकारी? पसंद आई हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमारे अन्य किसान भाई देखकर सुनकर समझकर मोटिवेट हो सके और अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। और आपने अभी तक हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि देख पाएं आप आने वाली इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए होंगे। जय हिंद, जय भारत।